हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के एग्ज़ाम में हमको कितने मार्क्स का टारगेट बनाना चाहिए। बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेईई मेन के थ्रू क्या है NIT कॉलेज लेना चाहते हैं, और NIT कॉलेज बहुत बच्चों का ड्रीम भी होता है। तो बेटा, अगर तुम NIT कॉलेज का सोच रहे हो और अपने टारगेट बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर आपकी हेल्प करेगा। और बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो IIT के लिए सोच रहे होंगे, जो अपने जेईई मेन को अच्छे मार्क्स से निकालने के बाद जेईई एडवांस का पेपर देंगे। तो बेटा, वो बच्चे भी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि फिजिक्स में 25 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन हैं, एंड मैथ्स में 25 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम आपसे बात करें टोटल बेटा कितने क्वेश्चन हैं आपके, 75 क्वेश्चन हैं जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। ओवरऑल बेटा आपके 90 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 75 करने हैं। और 75 क्वेश्चन की बेटा बात करूँ तो 75 × 4, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का है, तो 75 क्वेश्चन बेटा हो गया आपके 300 मार्क्स के। अगर बेटा मैं आपसे बात करूँ 300 मार्क्स में से कितने का टारगेट आपका होना चाहिए, तो 300 मार्क्स में से आपको टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 210 का। एटलीस्ट आपको 210 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाना है। अब आप में से काफ़ी लोग सोचोगे क्या सर कम मार्क्स पे NIT नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप बेटा 175 प्लस भी लाते हो तब भी NIT मिलेगा। अगर आप 125 प्लस भी लाते हो तो बेटा आपको क्या पीछे से कोई ना कोई NIT मिल जाएगा। बेटा टारगेट हमें 210 प्लस का इसलिए बनाना है जिससे कि हमारा जो बेस्ट NIT है बेस्ट ब्रांच के साथ मिल सके। बहुत बच्चे हैं जो NIT त्रिची से CS ब्रांच से BTech करना चाहते हैं, तो बेटा ऐसे कॉलेजेस उनको मिल सकें। इसलिए बेटा एटलीस्ट 210 प्लस मार्क्स का आपको क्या टारगेट बनाना है। अगर आप बेटा ऐसे टारगेट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आप अपने बेस्ट NIT बेस्ट ब्रांच तक क्या है पहुँच जाएंगे। और अगर आप टारगेट के बिना काम करेंगे तो फिर वही चीज़ है, जो आ गया उसी में आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर NIT अच्छी चाहिए, ब्रांच भी अच्छी चाहिए, तो थोड़ा टारगेट बना के मेहनत करिए और जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनको दीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना आना है। अब उस स्कोर से आप अपने आप को जज करें कि मेरा टारगेट 210 प्लस मार्क्स का है, क्या मेरे उतने आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो कमियाँ कहाँ रह रही हैं? क्या कमी फिजिक्स में है? क्या कमी मैथ्स में है? क्या कमी रीजनिंग में है? जो भी आपके सामने कमी नज़र आ रही है उस कमी को पूरा करें। कैसे पूरा करें? सेल्फ स्टडी करें, टीचर से डाउट्स पूछें। अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो ये पक्का तय है कि वो वीक सब्जेक्ट क्या आपका अच्छा हो जाएगा। और बेटा 300 में से 210 प्लस मार्क्स लाना आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर वे में पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप इस स्कोर को अचीव कर ले जाओगे। और बहुत बच्चे हैं ऐसे जो 225 प्लस मार्क्स भी ऑलरेडी पास्ट ईयर्स में ला चुके हैं। ऐसा कोई आपसे पहली बार नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको 210 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, बहुत बच्चे ऑलरेडी 225 प्लस मार्क्स ला चुके हैं। तो आपको अपने टारगेट को बनाते हुए आगे बढ़ना है, और अगर आप इन टारगेट को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये पक्का है कि आप उसके लिए क्या अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, उसके लिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। तो जब वो सारी चीज़ें होंगी तो रिजल्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और उसी पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बेटा आप लोग मेहनत कर रहे हो। और बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर बेटा आप IIT की कोचिंग कानपुर में करना चाहते हो तो आप कानपुर में RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेटा IIT की तैयारी आपको काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। और बेटा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।